Hello friends and my students. In this video, I am going to explain a very interesting chapter. And this interesting chapter is for the students of NIOS of Standard 10th. And this chapter has been taken from first book of English language. And the name of the chapter is Snake's Bite. Yes, Snake's Bite is very interesting chapter. सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर परफेक्टली ध्यान से समझिए इस चैप्टर को ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा और चैप्टर समझ भी आएगा तो एन आई ओ एस के छात्रों के लिए ये चैप्टर है क्लास टेंथ का चैप्टर है इंग्लिश की बुक फर्स्ट का और बुक का जो कोड है वो है टू ज़ीरो टू तो देखिए ये आपका चैप्टर है स्नैक बाइट स्नैक बाइट में क्या बोला गया हैव यू एवर टीज्ड एन एनिमल क्या कभी आपने किस एक जानवर को या किसी जानवर को सताया है वट डिड योर एल्डर्स हैव टू से टू यू आपके बड़े बूढ़े आपसे क्या कहते थे हाउ डिड द एनिमल रिएक्ट जानवर किस तरीके की प्रतिक्रिया करते थे या जानवरों ने किस तरीके की प्रतिक्रिया की अगर आपके साथ कोई घटना घटी तो इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है डिड यू थिंक अबाउट हाउ द एनिमल फेल्ट क्या आपने कभी सोचा कि जानवर कैसा महसूस करते हैं इन दिस स्टोरी द नरेटर राजा इज एन इनोसेंट यंग बॉय इस स्टोरी में जो नरेटर है जिसका नाम है राजा वो एक इनोसेंट बॉय है एक मासूम सा एक भोला सा बच्चा है ही इज एडवेंचरस एंड लाइक्स टू मेडल विद क्रिएचर्स लाइक स्नैक्स एंड बीज वह बड़ा ही साहसी है और वह कुछ प्राणियों जैसे सांप और बीज के बारे में हमें बता रहा है उसको मेडल देने की बात कर रहा है हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट हिज वेल वेलबींग एंड सेफ्टी उसके जो दादा दादी हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसके बारे में बड़े चिंतित हैं उसकी सेफ्टी के बारे में उसकी सुरक्षा के बारे में वंस वैन अ स्टिंग्स हिम वंस वैन अ बी स्टिंग्स हिम दे थिंक ही हैज़ बीन बेटन बाय अ स्नेक एक बार एक मधुमक्खी उसको काट लेती है लेकिन उसके दादा दादी ये सोचते हैं कि एक सांप ने उसको काट लिया है हिज़ ग्रैंड फादर टेक्स हिम टू अ मैन होम ही बिलीव्स कैन क्योर स्नैक बाइट उसके दादा जी उसको एक व्यक्ति के पास ले जाते हैं एक आदमी के पास ले जाते हैं जिसके बारे में वो ये सोचते हैं उनका ये विश्वास है कि ये व्यक्ति सांप के काटे हुए का इलाज करता है यानी अगर कोई व्यक्ति को सांप काट लेता है तो वो व्यक्ति जिसके पास दादाजी उसको ले जाते हैं बच्चे को तो वो व्यक्ति उस का इलाज करता है ऐसा उनकी मान्यता है तो लेट अस रीड द स्टोरी एंड सी व्हाट हैपन्स तो आइए स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे रखा है हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य कि आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो क्या सीखोगे इस चैप्टर को आपको क्यों पढ़ना चाहिए इस तरीके की कुछ बातें यहाँ पे पॉइंट्स बता रखें हालांकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है दैट्स वाई आई वॉन्ट टू टेल यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ दिस चैप्टर तो इस चैप्टर का क्या ऑब्जेक्टिवस हैं देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आप एबल हो जाएंगे इस स्टोरी की थीम को डिस्कस करने में यानी इस स्टोरी किस विषय पर टिकी हुई है किस विषय इस स्टोरी की विषय वस्तु क्या है इसको बताने में आप समर्थ हो जाएंगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे ऑफ रेप्टाइल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप रेप्टाइल्स और दूसरे लिविंग क्रिएचर्स के बिहेवियर और उनकी फीलिंग्स के बीच में रिलेशन स्थापित करने में समर्थ हो जाएंगे यू विल बी एबल टू थिंक क्रिटिकली अबाउट पीपल्स सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फेथ इन अनट्रेन्ड मेडिसिन मैन और जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप इस विचार को करने में समर्थ हो जाएंगे कि किस प्रकार से उन लोगों की उन लोगों की आलोचना की जाए या उन लोगों की किस तरीके से आलोचना की जा सकती है जो अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं और किसी चीज़ में अंधा विश्वास रखते हैं या फिर जो उन लोगों में विश्वास करते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं यानी कि नौ सखिए मेडिकल ट्रीटमेंट वाले व्यक्ति जैसे कि जो छाप डॉक्टर्स होते हैं उस टाइप के जो जनता को धोखा देके कुछ भी उल्टी सीधी दवाई देके उसका इलाज करने का ढोंग रचते हैं यू विल बी एबल टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द मिथ दैट ऑल स्नेक्स आर डेंजरस और आप इस बारे में भी आलोचना आलोचनात्मक रूप से सोचने में एबल हो जाएंगे कि सारे स्नेक्स डेंजरस होते हैं या कुछ स्नेक्स डेंजरस होते हैं या किस टाइप के स्नैक्स होते हैं उनकी क्या प्रवृत्तियाँ होती हैं उनकी क्या मतलब हैबिट्स होता है उनका क्या नेचर होता है यू विल बी एबल टू थिंक यू विल बी एबल टू रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइमली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन और आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस बात में भी एबल हो जाएंगे कि आप ये महसूस कर पाएंगे कि जो कम्युनिकेशन का इफ़ेक्ट होता है सही समय पर सही कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है क्या इफ़ेक्ट होता है यू विल बी एबल टू रियलाइज़ दैट साइलेंस इज़ नॉट ऑलवेज गुड और आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये भी रियलाइज़ करने में एबल हो जाएंगे ये भी अनुभव करने में एबल हो जाएंगे कि जो साइलेंस होता है वो हर समय अच्छा नहीं होता यानी कि चुप्पी कभी न कभी तोड़ना ही समझदारी होती है हमेशा बड़े बूढ़ों के सामने अगर चुप रहोगे तो हो सकता है कि वो अगर गलत राह पे चल रहे हों और आपको सही राह पता हो तो आप उनको सही राह नहीं दिखा पाओगे और आप भी उन गलत राहों पे चल पाओगे चल चलने लगोगे तो इसलिए जरूरी होता है कि इफ यू हैव नॉलेज देन यू मस्ट गिव दैट नॉलेज टू अदर पर्सन एंड यू विल बी एबल टू रियलाइज सॉरी यू विल बी एबल टू यूज सम न्यू वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आप कुछ नए वर्ड्सों को यानि नए शब्दों को मीनिंगफुल तरीके से, से सेंटेंस में यूज़ करना भी सीख जाएंगे यू विल बी एबल टू गिव द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सम कॉमनली यूज वर्ब्स और कुछ कॉमन वॉब्स जिनका हम अक्सर यूज़ करते हैं तो उनको आप पास्ट फॉर्म में भी यूज़ करना सीख जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स और आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बीच में अंतर अंतर को भी समझ जाएंगे इस चैप्टर के जरिए यू विल बी एबल टू फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड यूज देम अप्रोप्रिएटली आप एडजेक्टिव से एडवॉप बनाना सीख जाएंगे और उनका सही तरीके से उचित रूप से यूज़ करना भी सीख जाएंगे यू विल बी एबल टू फ्रेम रिक्वेस्ट्स एंड इंक्वायरीज और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप रिक्वेस्ट्स और इंक्वायरीज करना भी सीख जाएंगे किसी से कैसे रिक्वेस्ट करते हैं किस तरीके से इंक्वायरी की जाती है इन चीज़ों की भी आपको गाइडेंस मिलेगी जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे एंड यू विल बी एबल टू राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल और किसी व्यक्ति के बारे में या लोगों के बारे में जो संक्षिप्त वर्णन लिखा जाता है इंग्लिश में उसको लिखने का भी आपको यहाँ पर एक अच्छी गाइड मिलेगी एक अच्छा यहाँ पे आपको नॉलेज गेन होगी तो देखिए चैप्टर क्या कहता है इस चैप्टर को समझते हैं और ध्यान दीजिएगा देखिए वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड एक बार मैंने कंपाउंड में कंपाउंड होता है परिसर एक बार मैंने कंपाउंड में एक छोटा सा स्नेक देखा इट वॉज तो ये स्टोरी जो है ये राजा नाम का ऑथर है जो अपने बचपन की कहानी को लिख रहा है तो वही कहानी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ दोबारा से देखें वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नैक इन द कंपाउंड एक बार मैंने कंपाउंड में एक छोटा सा स्नैक देखा इट वॉज क्राउलिंग अलोंग स्लोली बट वेन इट सॉ मी इट मूवड अवे क्विकली एंड हिड इट सेल्फ इन अ कोकोनट सेल वह धीरे धीरे रेंग रहा था लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वह तेजी से मूव करता हुआ एक नारियल के छिकले में चला गया या एक नारियल के छिकले के पीछे या उसके अंदर छिप गया आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज्ड द माउथ ऑफ द कोकोनट सेल वेद स्टोन मैं धीरे से वहाँ गया और मैंने क्योंकि वो कोकोनट सेल के अंदर को नारियल के जो हार्ड छिकला होता है उसमें वो चला गया था तो मैंने उस छिक नारियल का जो ढक्कन होता है या हार्ड वाला जो छिकला होता है छिलका सॉरी छिलका उसको एक पत्थर से ढक दिया देन आई टुक द शेल एंड रेन टू ग्रैंड मदर और फिर मैं उस नारियल का टुकड़ा जो हार्ड वाला होता है उसके ऊपर पत्थर ढका हुआ उसके अंदर स्नेक उसको ऐसे उठाता हुआ सपोज कर लीजिए ये नारियल है और इसके अंदर छोटा सा सांप जाके बैठ गया और मैंने उसके ऊपर पत्थर यू रख के उसको ढक दिया और मैंने फिर उसको उठाया ढके हुए को दोनों हाथों से एक नीचे हाथ लगा के और ऐसे दादी के पास ले कर चला गया तो ये बोला गया देन आई टुक द सेल एंड रेन टू ग्रैंड मदर फिर मैंने उस सेल को उस चिक्कल को लिया मतलब उस खोखले को नारियल के खोल को उठाया और उसे दादी के पास भाग कर ले गया लुक ग्रैंड आई क्राइड आई हैव कॉट अनेक देखो देखो दादी माँ मैं चिल्लाया मैं चिल्लाया देखो दादी माँ मैंने एक सांप पकड़ा है स्नेक ऑस्ट ग्रैंड मदर इन अलार्म दादी एकदम अलार्म में मतलब एकदम सावधान या चिंतित होके चिल्लाई सी वॉ शॉक् उसे एकदम झटका सा लगा सी वॉ शॉक्ट फॉर हेल्प वो मदद के लिए चिल्लाई ग्रैंड फादर कीम रनिंग और उनकी आवाज़ को सुन के दादाजी दौड़ते हुए आए वैन ही लर्नड दैट आई हैड अ स्नैक इन द सेल ही स्नैश द सेल एंड थ्रू ए टे जब उन्होंने सुना कि मेरे जो ये मैंने जो खोखल ले रखा है ना, नारियल का या जो कवर सा ले रखा है मतलब हाड़ वाला छिक्कल ठीक है नारियल का उसमें स्नेक है उसमें सांप है तो उन्होंने जल्दी से मेरे से वो छीना और दूर फेंक दिया द स्नेक क्राउल्ड अवे एंड डिसअपियर्ड बिहाइंड सम बुसेस जैसे उन्होंने फेंक दिया तो वो सांप रेंगता हुआ झाड़ियों में चला गया और गायब हो गया मतलब दिखना बंद हो गया ग्रैंडफादर वॉर्न मी Never to go near a snake because snakes were very dangerous. Grandfather दादाजी ने हमें ये चेतावनी दी कि कभी भी सांप के नज़दीक मत जाना क्योंकि सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं। Later in the evening I tried to catch a bee and it stung me on my finger. बाद में शाम को मैं एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसी कोशिश में मधुमक्खी ने मेरी उंगली में मेरे फिंग किसी उंगली में डंक मार दिया आई फेल्ट अ शार्प पेन मुझे बहुत ही तेज दर्द महसूस हुआ आई रेन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बीन बिटन एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग टू स्टॉप द पेन मैं दौड़ता हुआ दादी जी के पास गया और उनको बताया कि मुझे किस मुझे काट लिया है मुझे काट लिया है उंगली में और मुझे बहुत दर्द हो रहा है मैं ये नहीं बता पाया मैं जल्दीबाजी में ये नहीं बोल पाया था कि मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है मैं बस इतना ही बोल पाया दादी जी को कि मुझे उंगली में काट लिया और मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस तरीके से दौड़ता हुआ दादी के पास गया और दादी जी को ये बात बताई ग्रैंड मदर थॉट दैट आई है मन ही मन सोचा कि मुझे उन्होंने दादाजी को आवाज लगाई और कहा आओ जल्दी आओ और देखो क्या हुआ है राजा के साथ ग्रैंड फादर किम एट वंस दादाजी तुरंत आए ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देयर वॉज अ ब्लू मार्क उन्होंने मेरी उंगली देखी और उस उंगली में नीला सा निशान पड़ गया था जहाँ पे उस मधुमक्खी ने काटा था विदाउट अ वर्ड ही टुक मी इन्स एंड स्टार्टनिंग बिना एक शब्द भी बोले उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और गोद में उठा के दौड़ना चालू कर दिया यानी दौड़ लगानी चालू कर दी ही रेन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड्स वह बगीचे में से दौड़ते हुए धान के खेतों में से दौड़े ही रेन एंड रेन वह दौड़ते गए दौड़ते गए एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच द स्मॉल हाउस क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आर होम और तब तक नहीं रोके जब तक वो एक ए, उस घर तक पहुंच गए जो हमारे घर से कुछ दूरी पर था जब वो उस घर तक पहुंच गए तो वहां पर रुके देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड फिर उन्होंने उस आदमी को आवाज लगाई जो उस घर में रहता था एन ओल्ड ग्रे हेयर मैन केम आउट ऑफ द हाउस एक बूढ़ा सफेद बालों वाला व्यक्ति उस घर से बाहर आया ही न्यू फॉर स्नेक बाइट वह सांप के कांटे का इलाज जानता था ऐसा लोग कहते हैं ऐसा लोग कहते थे ग्रैंड फादर him हिम टू क्योर मी दादाजी ने उसे मेरा इलाज करने के लिए कहा द ओल्ड मैन टुक मी इन साइड वह बूढ़ा व्यक्ति मुझे अंदर ले गया ही लुकड एट माई फिंगर उसने मेरी उंगली को देखा एंड देन asked मी टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव और फिर उसने मुझसे कहा बैठ जाओ और बिल्कुल हिलो मत आई सेट ऑन ग्रैंड फादर्स लैप मैं ग्रैंड फादर यानी दादाजी की गोदी में बैठ गया द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन सम ब्रास वेसल फिर वो बूढ़ा व्यक्ति एक पीतल के बर्तन में कुछ पानी लाया सेट इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग सम मंत्रास और मेरे सामने बैठ गया और कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया आई वॉन्ट टू टेल हिम दैट इट वॉज अ बी नॉट अ स्नेक दैट हैड बिटन मी मैं उसे बताना चाहता था कि जिसने मुझे काटा है वो एक मधुमक्खी है सांप नहीं है बट ग्रैंड फादर हैल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक लेकिन ग्रैंड फादर यानी दादाजी ने मुझे कस के पकड़ रखा था और मुझे बोलने से मना कर रखा था कि बोलना मत बिल्कुल भी बोलना मत यानी मुझे बोलने नहीं दिया ग्रैंड मदर टोल्ड अराइव्ड बाय देन एंड सम अदर पीपल विद हर तब तक दादा दादी जी भी आ गई और उनके साथ कुछ और गांव के लोग भी आ गए दे लुक्ड सैड एंड साइलेंटली वॉच्ड मी वे सब दुखी लग रहे थे और वो बड़े ही शांत मन से मुझे देख रहे थे बाय दिस टाइम द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप्ड तब तक मेरी उंगली का दर्द भी थोड़ा रुक चुका था खत्म हो चुका था बट स्टिल आई हैड टू सिट डेयर लेकिन अभी भी मुझे वहाँ बैठना था एंड गेट क्योर्ड ऑफ स्नैक बाइट और मुझे अपने सांप के काटे का इलाज करवाना था आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन अप Washed my finger and gave me some water to drink. कुछ मिनटों के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ उसने मेरी उंगली को धोया और फिर मुझे कुछ पानी पीने के लिए दिया He asked me to keep quiet for some more time. उसने मुझे कुछ और देर तक शांत रहने के लिए कहा Then he turned to grandfather and said, Thank God. यू ट राजा इन टाइम और फिर वो दादाजी की तरफ मुड़ा और बोला भगवान का लाख लाख शुक्रिया भगवान का शुक्रिया या शुक्र है भगवान का कि आप राजा को सही समय पर ले आए ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ इट वॉज इन डीड अ पॉइजनस दैट बिट हिम उसने कहा अब अब वह खतरे से बाहर है अब राजा खतरे से बाहर है वास्तव में इसको एक जहरीले सांप ने काटा था कितना कैसी बात बोल रहा है वो झूठ बोल रहा था साफ साफ कि वास्तव में उसे एक जहरीले सांप ने काटा था ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर एंड ऑल अदर्स थैंक्ड द ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर दादाजी ने दादी जी ने और सभी जो वहाँ लोग आए थे दूसरे लोग उन सब ने उस व्यक्ति को इस जादुई इलाज के लिए उसका धन्यवाद किया उसका शुक्रिया अदा किया ऑन रिटर्निंग होम ग्रैंड फादर सेट हिम गिफ्ट्स और घर लौटते समय घर लौटकर घर लौटने के बाद दादाजी ने उस व्यक्ति को कुछ गिफ्ट कुछ उपहार भी भेजा तो i hope you have understood this story the question answers of this story will be explained in next video to jo mera next video hai usme main iske sari question answers explain karunga passes why और इसके जो grammar है वो सब कुछ आपको सारा solutions NIOS का English का और दूसरे subjects हैं जैसे कि mathematics और एस एस टी इन सभी के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे तो एस एस टी का सॉल्यूशन मेरा एक चैनल है आई आई एच पी बाय अनिल सर इस चैप्टर में एस एस टी के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इंग्लिश का सॉल्यूशंस तो आपको इसी चैनल पे मिलेगा और मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो आपको एक और चैनल है मेरा मैथ्स ही मैथ्स इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोनों चैनल्स का तो आप वहाँ पर इनके सॉल्यूशंस देख लेंगे उनके वीडियो अभी बनाऊंगा मैं एक दो दिन में अभी अवेलेबल नहीं है बट उनके लिंक्स मैं आपको दे दूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगर एन के स्टूडेंट्स हैं और अच्छी नॉलेज चाहते हैं अच्छी गाइडेंस चाहते हैं फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसे नहीं आपको लगने बस आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए यूट्यूब के ज़रिए और अपनी इंग्लिश को अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो